everyone, and hope you all are doing well. With that, I welcome you all to the second part of this Malaysia trip, जो कि हमने बिताई थी लंकावी में दो दिन. तो पहली बात तो ये कि अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखी है तो क्या कर रहे हैं भाई, जाइए देखिए, फर्स्ट पार्ट देखिए, उसके बाद सेकंड पार्ट में आइए. लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए. अगर अच्छा लगा हो तो बताइए, अगर बुरा लगा हो तो भी बताइए. कुछ अगर चेंजेस करने हैं, कुछ मैंने गलत कर लिया है या जो भी है, क्योंकि मैं अभी इतनी सी यूट्यूबर हूँ एंड आई एम रियली ट्राइंग. सो कुछ अगर चेंज करना हो, कुछ गलत हो रहा हो, यू कैन टेल मी, आई विल वर्क ऑन दैट पार्ट. एंड तो ज़्यादा और बात नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं. तो हियर इज़ द सेकेंड पार्ट फ्रॉम लंका. So it's day 3 and we have an early morning flight to Langkawi. तो हम लोग एकदम बहुत सुबह सुबह रेडी होके सब निकल पड़े हैं एंड सब ने अपनी नींद पूरी की ऑन द वे टुवर्ड्स एयरपोर्ट एक्सेप्ट दिस गाय शुभायु एंड मी. सो टुवर्ड्स द एग्जिट एट लंकावी एयरपोर्ट आपको ऐसे काउंटर्स मिलेंगी जहाँ पे आपको टैक्सी सर्विस मिलेंगी एंड आपको सेल्फ ड्रिवन कार्स की सर्विसेज भी मिलेंगी. तो आपने अगर मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो वहाँ पे मैंने कहा है कुआलालंपुर में सेल्फ ड्रिवन कार्स आर नॉट एट ऑल रिकमेंडेड, बट हियर एट लंकावी इट इज़ हाईली रिकमेंडेड. बेसिकली ड्राइविंग हियर इज़ वेरी ईजी, स्पेशली इन कंपेरिजन टू इंडिया. एंड ये थी हमारी राइड फॉर द नेक्स्ट टू डेज. ये कार हमने ली थी 1200 रुपीज पर डे के हिसाब से. दो दिन का हमको ऑफकोर्स 2400 पड़ा था. एंड द जर्नी बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है यहाँ पे एंड कंफर्टेबल भी. ड्राइविंग भी बहुत ईजी है यहाँ पे, उतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है. एंड पेट्रोल का प्राइसेस तो खैर यहाँ पे पानी के बराबर है, क्या बताएं आपको. तो इंडिया में पेट्रोल प्राइसेस के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हुए हम पहुँच गए द विला लंकावी, जो कि हमने बुक किया था यहाँ पे फॉर द नेक्स्ट टू डेज. एंड दे ऑल्सो हैड दिस लवली पूल ओवर हियर, जो कि हमको टाइम मिला बस लास्ट डे में थोड़ा सा एंजॉय करने का, जो कि आगे वीडियो में आने वाली है, तो देखते रहिए. एंड एक बार फिर से एक अच्छा सा रूम टूर देने की कोशिश में मैं, जो कि बहुत सारे यूट्यूबर्स करते हैं लेकिन मुझे उतने अच्छे से आता नहीं है, देखने में अच्छा लगता है तो कोशिश कर रही हूँ करने के लिए. तो ये एक था टीवी एक बड़े से रूम में जो कि हमने देखा नहीं, ये तो मैं हूँ. एंड देन यहाँ पे था कुछ पानी, टी, कॉफ़ी वगैरह, जो कि एक्सेप्ट फॉर द पानी हमने कुछ यूज़ नहीं किया क्योंकि पैसे लगते हैं भाई. एंड देन इन द वॉशरूम एवरीथिंग वॉज नीट एंड क्लीन, बहुत अच्छा था. टॉयलेटरीज ऑन प्लेस, एकदम अच्छे से सजाया हुआ सब कुछ. एंड यस, ये जगह मुझे बहुत अच्छा लगा बैग वैग रखने के लिए, एक प्लांट था. एंड यहाँ पे सेफ भी था जो कि हमने यूज़ नहीं किया क्योंकि पैसे नहीं है. और ऐसे खूबसूरत से नज़ारे का मज़ा लेते हुए हम लोग निकल पड़े टू द नेक्स्ट एक्टिविटी, जो कि था आइलैंड हॉपिंग ऑन जेट स्की. एंड जो कि मैंने बहुत एंजॉय किया पर्सनली. फोन्स वगैरह तो हम कुछ लेके नहीं गए, तो हमारे पास कुछ ही फोटोज़ हैं विच वी गॉट फ्रॉम आवर ट्रेनर. तो शुद्धजीत ने पहले ट्राई तो किया लेकिन उससे नहीं हो पाया, तो हुआ यूँ कि बाद में हाल मुझे ही संभालना पड़ा और शुद्धजीत पीछे बैठे मज़े लेता रहा. तो ये हैं हम आइलैंड घूम के वापस आते हुए. एंड हमारे यहाँ पे टोटल 4 जेट स्कीज थी और कोई वहाँ पे था नहीं. 3 में थे हम लोग और 1 में थे हमारे ट्रेनर, ये रही और उनके हेल्पर हमको रास्ता दिखाते हुए. ये जेट स्कीइंग एक्टिविटी हमने बुक किया था थ्रू सीमैन वाटर स्पोर्ट्स, ऑनलाइन उनकी वेबसाइट है, जिसमें कि हमको मिला था पर जेट स्की ऑलमोस्ट लाइक 11,000 रुपीज़. हम लोग 5 जन थे तो ऑलमोस्ट हम लोग को पर पर्सन ये पड़ा है 6,600 के आसपास. तो जितने ज़्यादा लोग होंगे तो उतना फ़ायदा है. और हाँ, ये मैं ही हूँ समुंदर के लहरों को काटते हुए और आगे बढ़ते हुए. शाम का मौसम तो बहुत अच्छा था, इट वॉज़ वेरी प्लेजेंट. और हम लोग सब निकल पड़े थे टू द सेम बीच जहाँ पे हम जेट स्कीइंग करने के लिए गए थे. नाम मैं बताना भूल गई आप लोगों को, उस बीच का नाम था पंताई चनांग बीच. लेकिन पंताई चनांग आने के बाद तो हमको बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि ये वो सेम बीच है जहाँ हम सुबह आए थे.
हम लोग आके पहुँचे हैं जस्ट अ लिटल वाइल आफ्टर सनसेट एंड व्यू इतना अच्छा है. यू हैव फूड, यू हैव म्यूजिक, यू हैव एंटरटेनमेंट, बस और क्या चाहिए ज़िंदगी में. हम लोग गए थे यहाँ सैटरडे, तो अफकोर्स सैटरडे का सीन थोड़ा सा तो अलग होगा दूसरे वीकडेज से. तो यस, दिस इज़ द एम्बियंस, आई विल शो यू अराउंड. लोग थोड़ा थे ज़्यादा यहाँ पे एज कम्पेयर टू द अदर डेज, जो कि हम नेक्स्ट डे भी गए थे तो इतना ज़्यादा लोग नहीं था यहाँ पे. ऐसे कुछ फायर शोज चल रहे थे यहाँ पे, ऐसे शैक्स हैं एंड हियर फूड स्पा इज़ गोइंग ऑन एंड यस, तो नज़ारा कुछ ऐसा था यहाँ पे. Oh my God! Oh! Shit! God! Woo! गुड मॉर्निंग फ्रॉम द डे 4. तो होटल में एक बहुत ही बढ़िया सा ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग निकल पड़े हैं टुवर्ड्स अ न्यू डेस्टिनेशन, ओरिएंटल विलेज. तो ये है ओरिएंटल विलेज. अंदर जाते ही सबसे पहले तो दिखते हैं बहुत सारे शॉप्स जिसमें कि बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं जो आप ले सकते हैं. हमने कुछ ली नहीं यहाँ से, हम जो मेन करने आए हैं वो है ये. हमने ये एक स्काई कैब, वहाँ से जाएंगे स्काई ब्रिज, देन स्काई रेक, स्काई डोम एंड द 3D आर्ट म्यूजियम. तो टिकट्स हमने ले ली है अब आगे बढ़ते हुए. तो हमको लेना है ये स्काई कैब. तो स्काई कैब बेसिकली एक केबल का राइड ही है जिसको लेके हम पहुँचेंगे टू द स्काई वॉक. एंड ये जो स्काई कैब है, मतलब जो केबल राइड है, वो हमें पता चला यहाँ पे कि इज़ वन ऑफ द स्टीपेस्ट इन द वर्ल्ड, जो कि है एट 42 डिग्री. अब पहले तो उतना नहीं लगा था कि हाँ ठीक है चलो है स्टीपेस्ट है, लेकिन जब हम ऊपर चढ़ रहे थे भाई साहब, सच में थोड़ा तो डर लगा है, थोड़ा नहीं एक्चुअली बहुत ज़्यादा ही लगा है, क्योंकि सच में नीचे देखने से लग रहा था कितना ऊपर चढ़ गए हैं और सच में इतना स्टीप था वो चीज़. और लेकिन व्यू मस्त था एकदम, मतलब बहुत ऊपर से जो देख रहा था ना, जो पानी और ब्लू एकदम पूरा एंड ग्रीन, बहुत अच्छा लग रहा था. एंड ये एक स्टॉप था बीच में, वो रहा स्काई वॉक जहाँ पे हमको जाना है. लेकिन यहाँ पे हमको एक दिस इज़ वन ऑफ द स्टॉप बेसिकली, जो बीच में आपको रोक के थोड़ा सा आप नज़ारा देखिए एंड ऑल, इसके लिए आपको टाइम दिया जाता है. तो यहाँ पे हमने थोड़ा टाइम बिताया एंड देन वी मूव्ड अहेड टू द स्काई वॉक. तो हम आ गए हैं स्काई वॉक में एंड यहाँ से व्यू इतना अच्छा था कि आपको क्या बताएं. माय फोन इज़ नॉट रियली डूइंग जस्टिस टू द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस. Aku macam tu kan, mereka ambil aman.
तो स्काई वॉक के बाद आप वापस आके थोड़ा और ऊपर चढ़ सकते हैं एंड वहाँ पे आपको मिलेंगे ये सुंदर सुंदर चीज़ें। तो ये बेसिकली चीज़ है कि लोगों ने अपने नाम यहाँ पे एनग्रेव करके लॉक्स में डाल के रखे और यहाँ पे इतने सारे थे मतलब विथ ईयर्स रिटन ऑन देम। पता नहीं शायद जब कभी लोग वापस आएंगे यहाँ पे ये देख के आई एम श्योर दे विल बी वेरी हैप्पी। तो थोड़ा और ऊपर हम चढ़ें एंड यहाँ से तो लग रहा था कि सीरियसली हम लोग एकदम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड आ गए हैं। तो वही वाली भयानक सी केबल का राइड लेके हम सेफली वापस आ गए हैं एंड हम लोग आए हैं स्काई डोम पे। एक शो होने वाला था तो बेसिकली जो हमको उस शो में दिखाया गया वो था एक बड़े से स्क्रीन में हम लोगों को दिखाया गया कि हम एक राइड पे जा रहे हैं इन द प्लैनेट मार्स, लेकिन ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। नेक्स्ट स्टॉप इज स्काई रेक्स। तो जितना यहाँ से पता चला कि एक VR राइड होगा। तो कुछ पर्टिकुलर टाइम्स होते हैं इन शोज़ की, अगर आप एग्जैक्टली देखें उन्हीं टाइम पे इस जगह पे रहोगे तो यू कैन सी दीज, अदरवाइज इनके लंच टाइम्स भी होते हैं बीच में तो थोड़ी देर के लिए बंद भी होता है। ये एक डायनासोर वाला राइड था जो कि ठीक ठाक था। एंड फाइनली हम लोग आए हैं टू द फन पार्ट ऑफ दिस डेस्टिनेशन, द 3D आर्ट म्यूज़ियम। यहाँ पे हमारे मिस्टर शायन इस पांडा को कॉपी करने की कोशिश में और संचारी उसको इंस्ट्रक्ट करते हुए एंड और भी बहुत सारे मजेदार चीज करने के लिए थे। अरे पाए मोईटा दे। तो यहाँ पे आपका आराम से एक पूरा दिन बीत जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए एंड हम फिर से थोड़ा ओरिएंटल विलेज घूम लिए यहाँ वहाँ शॉप्स वगैरह एंड हम लोग निकल पड़े टू आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। ये जो बड़ा सा ईगल है ये है ईगल स्क्वायर में विद दिस लवली व्यू। हम लोग शाम के टाइम पे यहाँ पे आ पहुँचे थे एंड ये कुछ शॉप्स हैं यहाँ पे। आई थिंक शाम का टाइम बेस्ट टाइम होगा यहाँ पे आने के लिए क्योंकि एकदम ओपन स्पेस है, तो बहुत ज़्यादा आप दोपहर में होगे तो बहुत धूप रहेगा एंड वो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ा सा सुंदर सा ईगल है जिसके साथ सब लोग फ़ोटो ले रहे थे एंड बहुत अच्छी फ़ोटोज़ आ रही थी। ओ तो फ़ोटो से याद आया, डू चेक माई इंस्टाग्राम प्रोफाइल गाइस, जहाँ पे कि आई हैव पोस्टेड सम लवली पिक्स फ्रॉम दिस ट्रिप। होटल वापस आते आते शाम हो गई थी लेकिन हम थोड़ा सा रेस्ट लेके फ्रेश होके फिर से निकल गए क्योंकि घूमने आए हैं भाई, होटल में बैठे रहना कतई पसंद नहीं। एंड ये हम लोग आए हैं एक ड्यूटी फ्री शॉप में क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बहुत कम प्राइस में मिलती हैं। एंड इसके बाद यहाँ से हम गए डायरेक्ट टू द सेम बीच, पेंटाई चनांग बीच। आई थिंक ये पेंटाई चनांग का सबसे हैपनिंग कैफ़े है, येलो बीच कैफ़े। हम लोग दोनों दिन यहीं पे डिनर किए। द एम्बियंस वॉज ब्यूटिफुल जस्ट इन फ्रंट ऑफ द बीच एंड फूड वॉज रियली रियली गुड। आफ्टर अ लवली डिनर इट वॉज टाइम फॉर अ फूड स्पा। तो मैंने और संचारी ने पहले डिसाइड कर लिया था कि वापस आने से पहले ये तो एक बार कराना ही है एंड ये हमको पड़ा था 25 ringgit पर पर्सन फॉर हाफ एन आवर, जो कि इंडियन रुपीज़ में आता है ऑलमोस्ट 450 rupees के बराबर।
तो यस, हियर वी आर, समुंदर के सामने, बीच में, सितारों के नीचे, एक अच्छा सा गाना सुनते हुए और रिलैक्स करते हुए। एक बार फिर से बॉलीवुड म्यूजिक। लास्ट डे ऑफ द ट्रिप, चेकआउट से पहले हमारे पास थोड़ा सा ही टाइम बचा हुआ था, लेकिन उस टाइम को भी हमने पूरी तरह से यूटिलाइज किया। इस पूरे ट्रिप को हमने बहुत बहुत एंजॉय किया, लेकिन लंकावी वॉज माई पर्सनल फेवरेट। एंड विद दैट इट्स द एंड ऑफ द मलेशिया ट्रैवल स्टोरी। लेकिन एक और पार्ट अभी भी बाकी है, जो कि आने वाली है नेक्स्ट वीक, दैट इज द मलेशिया फूड ट्रेल। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। बाय। घूमने हम कहीं भी जाए, चाहे वो आसपास हो, दूर हो कि कुछ और दूर हो, लेकिन वापस आते वक्त दुख तो बहुत होता है, लेकिन वापस तो आना ही है, किसी और नई जगह फिर से जो जाना है।